घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन, ये किस विरोध में हो रहा है सर? ये दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने, C2+50 के आधार पर फसलों के दाम तय करने, गन्ना मूल्य का डिजिटल भुगतान करने सहित दर्जनों हमारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई जानी है। उसी क्रम में आज इस मकसूदगंज बाजार में मैं यहाँ के किसान, भारतीय किसान कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग आज यहाँ ट्रैक्टरों की एक बड़ी श्रृंखला बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभा राम, FPJ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में। ट्रैक्टरों को ला करके हाईवे पे खड़ा किया गया है, किसान भाई तैयार हैं और साथ में वीडियो में दिखाते हैं घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव, क्या वो कहते हैं। सर आप अपना परिचय बताइए। घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। और आज भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई जा रही है और ये सारे ट्रैक्टर इस देश की सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के तरफ मुंह करके खड़े हैं। इस तैयारी में खड़े हैं कि जब हमारे संगठन के सुप्रीमो का आदेश होगा तो ये सारे ट्रैक्टर अपने ट्रालियों के साथ, राशन पानी के साथ यहाँ से दिल्ली जाने का काम करेंगे। हमारी जो समस्याएं हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने, C2+50 के आधार पर फसलों के दाम को तय करने और गन्ना मूल्य का डिजिटल भुगतान करने, और जो अभी लखीमपुर खीरी में जो किसानों को थार गाड़ी से दौड़ा गया था उसके दोषियों को दंडित करने सहित दर्जनों हमारी समस्याएं हैं, जिस पर हमें मनरेगा मजदूरों का काम बढ़ाने का भी मामला है, EVM को EVM से चुनाव न कराने का मामला है, जैसे दर्जनों समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज जनपद फैजाबाद के 5 स्थानों पर ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई जा रही है। हम सारे लोग मकसूमगंज बाजार में उर्मी के पुरवा के सामने कई दर्जन ट्रैक्टरों के यहाँ श्रृंखला बनाए हैं, जो हम सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं और देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान अविलंब करने का काम करें, वरना आने वाले दिनों में ये देश का किसान प्रत्येक दशा में दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान आंदोलन के समर्थन में आज NS-27 पर ये ट्रैक्टर जो है ला करके उसके समर्थन में खड़ा किया गया। देख सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक ये ट्रैक्टर सभी खड़े हुए हैं। ये एरिया है मकसूमगंज अयोध्या अंतर्गत आता है। किसान आंदोलन में ये किसानों के नेता किसान यूनियन के तरफ से ये गाड़ियां सभी खड़ी हैं। सभी किसान भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं, अभी सब लोगों को दिखाते हैं। पूरे गांव के किसान यहाँ इकट्ठा हैं। सर आपका क्या नाम है? घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन, ये किस विरोध में हो रहा है सर? ये दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने,
C2+50 के आधार पर फसलों के दाम तय करने, गन्ना मूल्य का डिजिटल भुगतान करने सहित दर्जनों हमारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई जानी है। उसी क्रम में आज इस मकसूदगंज बाजार में मैं यहाँ के किसान, भारतीय किसान कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग आज यहाँ ट्रैक्टरों की एक बड़ी श्रृंखला बना रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद आपका। ऐसा करिए, हमारे गांव के किसान मुन्ना वर्मा जी हैं, और देख सकते हैं आप लोग किस तरह से घनश्याम वर्मा ने अपनी मांगों को बताया है। आप सभी का FTJ YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।